पाइसियंस के लिए देख लेते हैं, अप्रैल 2019 क्या रहने वाला है। पाइसियंस की अगर मैं बात करूं, जॉब फ्रंट पे वर्कलोड बहुत बढ़ेगा, आपके अपने सीनियर्स के साथ अनबन हो सकती है, हो सकता है कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो और वो आपकी बात ना समझे, वो स्टबन हो, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, ये टाइम सही टाइम नहीं है उनके साथ बहस करने का या किसी भी चीज का। तो हो सके तो आप इसको अगले महीने तक टाल दीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपको अचानक से ट्रैवल करना पड़ सकता है, नॉट फॉर अ बैड कॉज, ऑफ कोर्स फॉर अ गुड कॉज, लेकिन कुछ फैमिली, जैसे फैमिली कुछ इवेंट आ गया या कोई फैमिली मैरिज आ गई जहाँ पे आपको जाने का प्लान नहीं है, मगर अचानक जाना पड़ जाए, जिसकी वजह से थोड़ा खर्चा भी बढ़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये डिसीजन लेते हैं, आप जाते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप खास करके आप बिजनेस में हैं, तो आपको चारों तरफ से बेनिफिट के चांसेस नजर आ रहे हैं, आपको दो तीन डील्स आ सकती हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप जॉब में भी हैं, तो हो सकता है आपको कोई नया जॉब प्रपोजल भी मिल जाए, बट अगेन यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। आई कैन सी देर इज समवन हु इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, मे बी कोई सीनियर आपका या कोई ऐसा इंसान जो आपकी फील्ड में आपसे ज्यादा स्किल्ड है और आपसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं, तो वो हो सकता है आपको डिप्लोमेट या मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। तो अगर आप उसकी मैनिपुलेशन में ना आके उससे कोई अच्छी चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा।